मटेरियल। मैं जो ब्लश अप्लाई कर रही हूँ वो ब्लश एक्चुअली वो ब्लश नहीं है, वो लिपस्टिक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। जैसा कि फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही अलग अलग तरह के जो है फेस्टिवल लुक इस समय सभी क्रिएटर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो आज मैंने भी सोचा कि अभी जो चलिए मैं भी एक फेस्टिवल लुक, फिलहाल में करवा चौथ जो है आ रहा है तो उसके लिए एक लुक शेयर करते हैं। और तो मैं बहुत ही ज़्यादा सामान में एक्सपेरिमेंट, मतलब प्रोडक्ट में एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही हूँ, जो मेरे पास है मैं उसी से करके दिखाऊंगी। और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस के प्रोडक्ट हैं एंड किस तरीके से करना है वो भी बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। एंड सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप मेकअप करते हैं मेकअप से पहले आपको क्या करना है, टाइम नहीं है पार्लर जाने का तो आप घर पे आप अपने आप को प्रेप कर सकते हैं, वो भी वीडियो आपको मिलने वाली है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है CTM का। तो CTM में पहला होता है क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो क्लिंजिंग के लिए जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, आप एनी कोई भी फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ले रही हूँ यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में हिलेरी रोडा का क्लिंजिंग वाइप। ये ट्रैवल फ्रेंडली होता है, आप कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हो, कहीं भी आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हो। बहुत ही सही प्रोडक्ट लगता है ये तो मुझे। कुछ लोग करते हैं ना कि बहुत जब मेकअप करने बैठते हैं उससे घंटे दो घंटे तीन घंटे पहले अपना फेस क्लीन करते हैं एंड देन एक दो तीन घंटे बाद फिर मेकअप करने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी हम मेकअप करते हैं तो तुरंत आपको जो है अपना फेस क्लीन करना चाहिए। देखिए बिल्कुल भी नहीं लग रहा था ना कि फेस पे एकदम, मैं जो कि धुल के आई थी मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया था, और ये देखिए फेस पे। तो ये चीज़ आप जरूर नोटिस करें, कभी भी बिना फेस को क्लीन किए मेकअप ना करें। वैसे तो मैंने ये लोकल मार्केट से लिया है, अगर इसका लिंक मुझे मिलेगा तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूँगी। नेक्स्ट तो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है टोनिंग का। तो टोनिंग के लिए मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का ग्लो टोनर यूज़ कर रही हूँ जो है मलबेरी का, एंड आप इसकी जगह रोज वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है, मज़ा आ जाता है सच में स्प्रे करने के। तो हाइड्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली जब आपकी ड्राई स्किन हो तब तो और भी ज़्यादा मस्ट होता है ये। इस प्रोसेस को आपको स्किप नहीं करना है। और गुड वाइब्स के टोनर तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, अगर आपको चाहिए होंगे ना तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दूंगी एंड आप वहाँ से अपने लिए पूछिए। अभी टोनर के बाद का जो प्रोसीजर होगा वो मॉइस्चराइजर का। तो मॉइस्चराइजर मैं तब करूँगी जब मेरा जो मैंने स्प्रे किया है ये सारा जो है प्रोडक्ट वो सूख जाएगा या मेरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अभी ये मेरी स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया, आप देखो बिल्कुल भी कहीं से बिना सिला नहीं लग रहा है और स्किन काफ़ी हाइड्रेट लग रही है। ठीक है, बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा मॉर्निंग नेक्टर नारिश एंड हाइड्रेट मॉइस्चराइजर केवल। अभी आप देखो स्किन कितनी ज़्यादा मॉइस्चराइज हो चुकी है, बहुत ही सही मॉइस्चराइजर है। आप सीरम लगाना चाहते हैं तो मॉइस्चराइजर से पहले आप उसको लगा सकते हैं। इन सभी प्रोडक्ट जैसे CTM का जो प्रोसीजर होता है उसमें आपको कुछ थोड़ी थोड़ी टाइमिंग का गैप देना होता है। जैसे मैंने टोनर यूज़ किया था तो टोनर को तब तक छोड़ा जाता है जब तक वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब ना हो जाए एंड देन फिर मॉइस्चराइजर अप्लाई किया जाता है। मॉइस्चराइजर को आपको कम से कम तो 1 से 2 मिनट तक छोड़ देना चाहिए स्किन पर एंड उसके बाद ही आपको प्राइमर वगैरह अप्लाई करना चाहिए। एक मिनट इसको रहने देते हैं एंड फिर मैं बताती हूँ कि हम क्या। चलिए जैसे कि CTM का प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है तो आगे का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। आप पैचेस वगैरह होते हैं ना, जैसे इसके अराउंड जाते हैं डार्क सर्कल्स, जिसके अराउंड आने के लिए हमें ऑरेंज करेक्टर यूज़ करना होता है। तो आज मैं जो यूज़ करूँगी सबसे अफोर्डेबल प्राइस में वो है इनसाइड का। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा इनसाइड मेकअप एसेंशियल प्रो कंसीलर पैलेट। ठीक है, इसमें आपको कंसीलर करेक्टर कॉन्ट्रोल तीनों ही मिल जाता है एंड इसको मैंने जो यूज़ किया था सच में बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है यार, इसको तो आप डेफिनेटली परचेज करना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो उसके जो मैंने कलर करेक्टर लगाया हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो न्यूट्रलाइज हम कैसे कर सकते हैं, काफ़ी सही लगता है मेरी स्किन के लिए। मैं मिक्स एंड मैच कर लेती हूँ दोनों को और वहाँ अप्लाई कर लेती हूँ। मेरी स्किन टोन से एक ही टोन डार्क है ये, पता नहीं कि वीडियो जब भी मैं शूट करूँ कैमरे से आगे बहुत ही ज़्यादा लाइट लगता है, अदरवाइज लाइट है नहीं, बहुत ज़्यादा लाइट लगता है ना। मैं
इसी को अप्लाई करूँगी। इसको ब्लेंड करने में थोड़ा सा आपको टाइम भी देना पड़ेगा, अच्छे से आपको ब्लेंड करना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा इसको ब्लेंड करूंगी ताकि मेरा पेस्ट जो है अच्छे से सेट हो जाए। अब आप मेरा फेस देखो, काफ़ी अच्छे से, कहीं से भी पैचेस वगैरह नहीं दिख रहे, बहुत अच्छे से जो है फेस जो बेस बना है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड ये जो इनसाइड का कंसीलर है ना, मैं हार्डली रिकमेंड करूँगी इसे, बहुत अच्छा कंसीलर है। जस्ट आप सिर्फ और सिर्फ इसी से ही अपना पूरा बेस मेकअप कंप्लीट कर सकते हैं। एंड देन अब तो मैं अभी कोई भी फाउंडेशन अप्लाई नहीं करूँगी और मैं इसी मेकअप को मतलब इसी बेस को आपको सेट करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, अगर आप लिक्विड कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें ना, तो जब तक आप पाउडर ना लगा रहे हो उससे पहले आप लिक्विड के जितने भी प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो कंसीलर हो, फाउंडेशन हो, ब्लशर हो, कॉन्टूर हो, हाइलाइटर हो, वो सब आपको कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर से पहले एप्लीकेशन करना होता है। जो ब्लश अप्लाई कर रही हूँ वो ब्लश एक्चुअली वो ब्लश नहीं है, वो लिपस्टिक है। ये मैट नहीं होती, बिल्कुल भी सूखी सूखी सी नहीं रहती, ऐसे गीली गीली सी रहती है, इसलिए मैंने इसको एज ए ब्लश बना लिया है। थोड़ा सा लिफ्टेड लुक देने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा लिफ्टेड लुक देंगे। मैं अक्सर यहाँ से यहाँ तक कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा फ्लैटी टाइप हो जाता है, आज मैं लिफ्टेड लुक दूंगी। कमेंट करेंगे आप पहले से लिपस्टिक लगा के बैठे हो तो नहीं डियर, ये लिपस्टिक नहीं है, ये लिप बाम है। अच्छा, मैं लिक्विड कॉन्टूर नहीं करूँगी एंड आज मैं बेस जो सेट करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत क्लियरिंग नहीं की है बेस की, तो मैं जो बेस अभी सेट करूँगी वो मेरे पास है मेबेलिन फिटमी का, ये वाला। इसका जो शेड है वो है सन बेज, जो मेरी स्किन टोन से एग्जैक्ट मिलता जुलता है, ठीक है। तो मैं इसको अप्लाई करूँगी, इसी से मैं बेस को सेट करूँगी। अभी आप देखना काफ़ी अच्छे से जो है सेट हो जाएगा। उससे पहले मैं करूँगी ये वाली लोअर लैश लाइन को थोड़ा सा पहले, क्योंकि यहाँ पर लाइन आ जाती है तो उसको हम मैनेज करेंगे पहले। जब भी हम फाउंडेशन की लेयरिंग नहीं करते, बहुत ज़्यादा ही लगाते हैं, कम क्वांटिटी में लगाते हैं, तो आप इस तरीके से कॉम्पैक्ट का यूज़ कर सकते हैं। और जब हम मोटी लेयर, हैवी लेयर, दो तीन चार लेयर लगा देते हैं हमें फाउंडेशन कंसीलर मिला के, पाउडर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एंड ये काफ़ी अच्छे से एक बेस जो है क्रिएट करता है, हैवी बेस लगता है एंड काफ़ी अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग आपके मेकअप को बनाते हैं। अगर आप मैरिड है तो आप इस तरह से मेकअप कर सकती हैं, आप अनमैरिड है तो आप अपनी मम्मी का, दीदी का, भाभी का, चाची का, किसी का भी मेकअप आप इस तरह से कर सकते हैं। कम से कम प्रोडक्ट में प्रैक्टिस करते रहें, यही तो कारण है कि जो अच्छा रिजल्ट होता है। रियल में देखने में मेरे को बहुत ही अमेजिंग लग रहा है बेस, ठीक है। एंड अब मैं क्या बोलूँगी, अभी मैंने पूरा बेस जो अपना सेट कर लिया है, तो थोड़ी देर बाद ये ब्लश मैंने अभी सेट नहीं किया, ब्लश के ऊपर मैं नहीं गई हूँ, तो ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश, ठीक है। इसका शेड देखो आप, काफ़ी लाइट शेड है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा डार्क कलर लगाया तो उसके ऊपर लाइट कलर से लगाऊंगी ताकि एकदम नेचुरल इफेक्ट लगे, ऐसा लगे कि बहुत डार्क काफ़ी कुछ अप्लाई किया है। एक्सेस निकालेंगे एंड इस तरीके से मुझे इनसाइड कॉस्मेटिक को डेडिकेट कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने ये वन ब्रांड मेकअप कर लिया पूरा। ये मेरे पास सेटिंग स्प्रे जो है, अगेन ये इनसाइड का मेकअप सेटिंग स्प्रे। और मेकअप स्प्रे जब भी आप यूज़ करें उसको पहले शेक करें एंड देन इस तरीके से थोड़ी थोड़ी करके आपने फेस से एंड देन स्प्रे करें एंड अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज सेट होने देंगे, ठीक है। आपके पास छोटा वाला फैन हो तो आप उसे करें या फिर रहने दें ऐसे ही, थोड़ी देर में अपने आप से सेट हो जाएगी। वाइवी की पेंसिल लेती है, ब्राउन पेंसिल, जिसका कलर ब्राउन है एंड इसको मैं एप्लीकेशन करूँगी। काफ़ी अफोर्डेबल, अंडर 100 रुपीज़ में आपको सभी प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। नीचे से लाइन क्रिएट करेंगे हल्की सी एंड इसको पीछे तक पिन करेंगे। ब्राउन कलर है तो आप अच्छे से फ्रंट पे लगा सकते हो, डार्क कलर आप ना लगाएं, जैसे ब्लैक कलर काफ़ी ज़्यादा पेन लगता है। अगर आपको डार्क कलर लगाना है तो आप इस जगह से पीछे तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। कितनी अच्छी लग रही है ना,
खुद से बनाई हुई है एंड इसका ट्यूटोरियल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप जरूर से देखिएगा मैंने सेल्फ आईब्रो कैसे बनाई है। आप भी बहुत आराम से बना सकते हैं। ये आईब्रो कैसी लगी, मतलब कैसी बनी है वो मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो मेरे पास ये दो पैलेट है, पहले मैं कौन से वाली से करूँ जिससे मैं आप उससे कर सकते हो। ये दोनों पैलेट काफ़ी सही है, हॉट वाटर आईब्रो की गई थी एंड या मैं इसे यूज़ करती हूँ, इसमें आपको हर एक कलर मिल जाते हैं। तो मैंने बेस पहले लगाना चाहिए था जो मैंने लगाया नहीं, पहले बेस लगा ली। ब्रश ना हो तो आप सेम कलर का मैं शिमर ले रही हूँ, इसी को इनर कॉर्नर से मिडल पार्ट एंड रोबोन के नीचे यहाँ पे रोबोन में सब गोल्डन कलर का शिमर में एप्लीकेशन करेंगे, थोड़ा सा शाइन देता है ना, वो पार्ट लगता है। इट्स योर चॉइस। छोटू सा आईलाइनर है, बहुत ही अमेजिंग आईलाइनर है, लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी अच्छे से बिंग आप इसे क्रिएट कर सकते हो। इसकी टिप देखो, मतलब ब्रश देखो कितना बड़ा है, जो बिंदर्स है ना उसके लिए तो ये जो लाइनर है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है एंड इसे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए लगा लेते हैं इसको। जैसे कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी है काफ़ी, यहाँ से भी गैप थोड़ा ज़्यादा रहता है और यहाँ से भी जो ब्राउन्स भी आके खत्म हो जाती है, तो उसको मैं थोड़ी सी बड़ी दिखाने के लिए आज मैं थोड़ा सा पिंक लाइनर एप्लीकेशन करूँगी और बता दूँ आपको। ये एप्लीकेशन कितना आसानी से हो रहा है, दूर से मैं लगा लेती हूँ आराम से। बेज कलर का ले सकते हो, ब्राउन कलर का ले सकते हो एंड मेरे पास तो फिलहाल में वाइट कलर है जो मैं अक्सर लगाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, इसको मैं लगाऊंगी एंड ये एन वाई बी का काजल है जो व्हाइट कलर का भी मैंने लगाया है। देखो आंखें कितनी अच्छी लग रही है ना, बड़ी सी लग रही है और मैं हमेशा इसी को अप्लाई करती हूँ। ब्लैक काजल भी लगाती हूँ, मतलब लगाती हूँ, बहुत कम लगाती हूँ, जैसा कि ये मुझे बहुत पसंद है व्हाइट वाला एंड इसका पिगमेंट आ देखो है ना, बहुत ही अमेजिंग काजल है, वाटर प्रूफ भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, बहुत ही अच्छे से जो है मेकअप को बहुत ही इम्प्रूवमेंट मतलब इम्प्रूव कर देता है। तो ये काजल भी आप ले सकते हो, लेकिन आपको सभी कलर का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा एंड अब जो प्रोसीजर बचा है वो है लिपस्टिक का। तो लिपस्टिक के लिए मैं यही लिपस्टिक आज आपको दिखाऊंगी, लर्न कर लेते हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोग कमेंट करेंगे आप पहले से लिपस्टिक लगा के बैठी हो, तो ये मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है, मैंने ये वाली लिप बाम अप्लाई किया हुआ है जो नेचुरली कलर दे देता है ना। लैशेज आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, मस्कारा भी नहीं लगा, मस्कारा लास्ट में लगाया है। वैसे ये रेड कलर है बट वीडियो में पता नहीं क्यों ऑरेंज दिख रही है यार। ये वाला लुक आप किसी भी पार्टी फंक्शन में कर सकते हो एंड अगर आपको इस तरह का सिंपल सा लुक पसंद है गोल्ड लिप वाला तो आप ये वाला लुक ट्राई कर सकते हो एंड थोड़ा सा हेयर स्टाइल करना चाहो